बहुत अच्छा लग रहा है. बड़े दिनों बाद मुंबई आई हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू टीना गाय जी फॉर इनवाइटिंग मी. एंड बहुत उन्होंने मुझे फ़ोन्स किए हैं, बहुत हमने बातें की हैं इसके बारे में. काफ़ी अच्छा वक्त हमारा गुजरा है एंड शी इज़ वेरी काइंडली अरेंज माई एंटायर ट्रिप. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. और कल तो है प्री होली बैश और मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की जूरी में भी हूँ, तो प्रेस मीट है, तो सबसे मुलाकात होगी, बैठेंगे, बातें करेंगे, मज़ा करेंगे. टीना जी, आप बताइए कि आपने बहुत मेहनत की जूरी तैयार करने के लिए और इस इवेंट के लिए, तो और प्री होली बैश में कल क्या होने वाला है आपका स्थान? इसी सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अरुणा जी का बहुत बड़प्पन है कि उन्होंने इतनी अच्छी सी बातें बोली हैं मेरे बारे में. और दूसरी बात, कल की बात अगर हम करें तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट इवेंट. इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजुअल इवेंट, यू नो, कि ज्यूरी को बुलाया तो आपने कुछ अवार्ड्स दे दिया उनको, या उनको गले में शॉल डाल दिए, या बुके दे दिया, कोई आके भजन गा गया, या कोई आके गाना गा गया. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मिक्स एंड मैच प्रोग्राम एंड इफ आई ओपन इट नाउ देन यू नॉट गोइंग टू एंजॉय इट. सो आई विल नॉट ओपन द कार्ड्स राइट नाउ, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम, एब्सोल्युटली डिफरेंट. Unique rather, I would put it this way. Runa, क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि आपने कहा कि बहुत दिनों के बाद आप मुंबई आए हैं, तो कुछ प्लान्स है यहाँ पर आकर कि यहाँ घूमना है ऐसा कुछ, या फिर सिर्फ काम करके? नहीं, घूमना तो है ही, शॉपिंग भी करनी है, शॉपिंग बहुत करनी है. तो और कुछ ख़ास लोगों से भी मिलना है, तो बस यही है. और अगले महीने फिर जब अवार्ड्स होंगे तब फिर आऊँगी, कुछ और शॉपिंग होगी उस पर. कुछ और लोगों से मिलना होगा और कुछ काम भी करूँगी. रोना जी, आपको अभी थर्ड टाइम वहाँ पर नेशनल अवार्ड मिला है जी बांग्लादेश में, तो कैसा लग रहा है कि तीन तीन बार नेशनल अवार्ड मिलना? एक्चुअली दिस इज माई सेवन्थ नेशनल अवार्ड, बट मुझे तीन अवार्ड्स कंसेक्यूटिवली. सो ये बहुत ही अनोखी बात है और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसा हुआ. तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा. म्यूजिक में ही मिला मुझे. मतलब वहाँ पे जैसे यहाँ पे जब तक आप गा रहे थे बहुत सारे सुपर हिट सॉन्ग्स थे, तो बांग्लादेश में कोई आपकी नई एल्बम या कुछ रिलीज की है? नहीं, ज़्यादातर मैं फिल्मों के लिए गा रही हूँ. और फिल्म नेशनल अवार्ड्स तो फिल्म सॉन्ग्स के लिए होते हैं, तो कंसेक्यूटिवली तीन साल मुझे मिले हैं. आज इंडिया और बांग्लादेश का मैच भी है जी. एक्चुअली मैं जब एयरपोर्ट पहुंची तो लाउंज में बैठी थी, तो उसी वक्त हमारा नेशनल एंथम जो था वो बज रहा था टीवी पे. तो इट वॉज रियली नाइस के बहुत ही कोइंसिडेंस है कि मैं आई और वो जैसे मुझे वेलकम किया और हमारी टीम खड़ी थी, तो अच्छा लगा बहुत. इट वॉज अ बिग कोइंसिडेंस. तो आई लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली टीना जी वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड आई एम श्योर हम लोग सब बहुत इन्जॉय करेंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा. एंड आई वेलकम यू ऑल टू कम एंड वॉच एंड हैव फन. Thank you.